बेटा डंडा पास में अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जल्दी फोन किया नहीं, मैं आता आते आते छुट्टी कर छुट्टी के बाद ना ना मैं ना था मैं भेजना दिया था तो मोबाइल का आज बड़ा है अरे ठीक है चलो सेंटर पाँच में सारे बुलाए छः बजे आने को एडवांस का डेटा एडवांस में ये बिल्ट इन डेटा पड़ा हुआ है, इसमें मुख्तलिफ टूल्स हम यूज करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक यूज करते हैं। जैसे ये एडिटर है, एडिटर में उन्होंने मुख्तलिफ एक्सरसाइज दी हुई हैं, इनमें मुख्तलिफ टूल्स रखते हैं, ठीक है, वो हम इसको यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर ये पहली एक्सरसाइज है एट्रीब्यूट ट्रांसफर, वीडियो अच्छा। यहाँ पे दो तरह की फाइल है, एक स्ट्रीट है एक न्यू स्ट्रीट है। हम अगर बुक मार्क करते हैं इसको, ये देखें, अच्छा इसमें ये बताया उसने कि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखें इसका नेम इसमें डेटा मौजूद है, जबकि इसमें डेटा मौजूद नहीं है। हम इसका डेटा इसमें ट्रांसफर करेंगे, वो किस तरह करेंगे, एक टूल है स्पेशल एडजस्टमेंट का, इसको यूज करेंगे। आप एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये करना है सेट एडजस्ट डेटा ऑल फ्यूचर, क्योंकि दोनों पे हमने काम करना होगा, करते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट ट्रांसफर मैपिंग में हमने सोर्स हमारे पास स्ट्रीट है, टारगेट हमने करना है किसको, न्यू स्ट्रीट को। हमने क्या उसमें लेके जाना है, जी नेम का डेटा, दोनों सेलेक्ट करेंगे ऐड कर देंगे। ओके ये टूल है एट्रीब्यूट ट्रांसफर टूल, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस तरह इसको ट्रांसफर करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आप आइडेंटिफाई करें इसको, ठीक है, इस तरह आपको एक पॉलीगॉन आते हैं तो
अगर आप उसको उसका डेटा पूरा पूरा डेटा ही अगर लिखना पड़ जाए उसका, क्योंकि जियोलॉजी हम कोई कोई भी लेयर नहीं बनाते हैं, अब उसमें आपने उसकी जियोलॉजी भी दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें और भी दी हुई हैं, वो उसमें भी लिखनी पड़ जाए तो उससे बेहतर है कि आप उसे ट्रांसफर करें। ठीक है, लोकेशन को खुद ढूंढ लेना। अच्छा, समझ आई इसकी? क्रिएट न्यू फ्यूचर। अच्छा, ये पूरी अगर आप ड्राइंग देखें जरा इसको, ये ड्राइंग है ना, ये सर्वे कोऑर्डिनेट से बनी है, सर्वे करके ग्रिड बने हुए, इसमें कोई भी ये जो सारा कुछ हुआ है सारा सर्वे पे हुआ। सर्वे कोऑर्डिनेट आप लगाते जाओ आपकी ड्राइंग बनती जाएगी। ठीक है जी, ये किस तरह करना होता है जी? हाँ, तो भाई ये एक लाइन है, एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा, नोट एज सिंपल, सबसे पहले कि क्लिक करूंगा मैं, राइट क्लिक करूंगा, ये देखें लेंथ एक्स वाई डेटा, इसकी लेंथ क्या है जी, मैं लिखता हूँ जी 400, इंटर कर दूंगा, अभी देखें 400 की लेंथ है। ठीक है, आप अपने कोऑर्डिनेट देंगे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उसी हिसाब से ये कोऑर्डिनेट देते जाए ये पूरा मैप, और ये पूरा मैप जो है ना वो इस तरह बना होगा, एक जगह से हमने शुरू किया होगा, कोऑर्डिनेट देते जाए तो लाइन, क्योंकि अंदर कोऑर्डिनेट आपने इससे पहले ये पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेट सिर्फ पॉइंट लिखता है, लाइन भी अपनी डायरेक्शन देती है, लाइन कोऑर्डिनेट से हम लाइन की लेंथ मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह का डेटा है जी, डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये एंगल है ये, ठीक, ये इस तरह की चीज़ें हैं, जब भी इस तरह का आए ज़्यादातर जो है ना वो बाहर यही काम होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट, आपके पास एक सर्वे का एक वो शीट आ जाती है, एक तरह कंप्यूटर होता है, दो कंप्यूटर लिखे होते हैं, एक सर्वे के पॉइंट लिखे होते हैं, दूसरी तरफ इंटर करते जाते हैं, पूरा जो है ना वो पूरा ये पूरे एक जो है मैं सिटी का या फिर बड़ा कुछ है। ठीक हो गया, जब भी इस तरह का सर्वे कोऑर्डिनेट की बात आए, ये सर्वे भी बना हुआ है या फिर इसकी कोऑर्डिनेट है, या आपके पास ऐसी चीज़ आ जाए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ जाए जिसमें उसकी डायरेक्शन भी है, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी है, लेंथ भी है, तो वो आपने इस तरह बनाना। अच्छा, इसमें ये कि हमारे पास ये एक बनी हुई जगह है, कोई प्लाटिंग हुई भी है, कोई सोसाइटी प्लाटिंग होती है ना उसमें होती है। ठीक है, हमारे पास ये एक एरिया है, इसको प्लाट करना है, इसके हमें चार कोऑर्डिनेट पता है, एक ये एक ये एक ये, जो जियो रेफरेंस करने होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी मैं डेटा लाता हूँ, जो हमारा सोर्स डेटा है इसका, अभी देखें ये पढ़ा हुआ, ये पहले इन्होंने असल में
ये भी इसी तरह की चीज है, लेकिन इसको जूम क्लियर करेंगे, ये इमेज है, इमेज फॉर्म है ये, एक कोऑर्डिनेट इसका ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, इसका हम जियो रेफरेंस करते हैं। अब इसमें इसने जियो रेफरेंस करने का वो तरीका बता दिया, आप उस शीट को या उस जगह को जहाँ पे वो इमेज जियो रेफरेंस करना है वो पहले जो है ना वो जूम करें, उसके बाद आप इधर गए जियो रेफरेंस पे आए, उस इमेज को, ये इमेज है, उस इमेज को फिट टू डिस्प्ले करें, ये फिट हो जाएगा यहाँ। जब फिट हो जाए आपने क्या करना है जी, ये यहाँ का है ठीक, ये पॉइंट यहाँ का है ठीक है, इस तरह चार पॉइंट आपने एडजस्ट कर देने हैं और अपडेट कर देना है ठीक है। बाद में जो ग्रिड होते हैं ना ग्रिड, वो ग्रिड बनने में मिल जाते हैं मुख्तलिफ, इस तरह के ग्रिड होते हैं मुख्तलिफ टोपो शीट्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं लाइन लाइन में, वो इस तरह के ग्रिड होते हैं कि ये टोपो शीट यहाँ पे लगती है, ये टोपो शीट यहाँ पे लगती है, ये टोपो शीट यहाँ की है, उन ग्रिड को भी आपने ये करना है कि हाँ जी ये F11 है जी, F11 का ग्रिड है जी, आपने F11 का ग्रिड जूम करना है, वो अपना F11 की शीट को ओपन रखना है, एड रखना है, यहाँ पे जब उसको फिट टू डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे आ जाएगी, इस तरह चार पॉइंट लगा के आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेंगे तो होल्ड जियो रेफरेंस हो जाएगी, ग्रिड से जो जियो रेफरेंस होती है ना वो काफ़ी एक्यूरेट होती है ठीक है। बस करेंगे करें हम, एक और कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज है, एज इसके दो यहाँ पे लेयर हैं, एक ये है एक ये है, यहाँ पे इनके एज एज जो है ना वो सेंटर में देखिए नी है, यहाँ पे इसको एडिट करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना वो इसके लिए एक टूल बना हुआ है जो दो शेप फाइल को एक जोड़ आपस में जोड़ देगा। रेटिंग स्टार्ट करता हूँ, क्या करना है जी, एज मैच टूल पे आना है, सबसे पहले ये करेंगे इससे सेलेक्ट करेंगे इसको, फिर टूल लगाएंगे इस पर ठीक, दूसरी जगह भी इस तरह करेंगे इससे सेलेक्ट करेंगे ठीक, तो ये कर लेना चले बाद में, बाकी कितनी एक्सरसाइज की है हमने आज इसकी, एक दो तीन चार टोटल कितनी है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक और कर लें, ये थोड़ा आसान इसी है कि हमने इससे पहले जो किया है ना, मिसाल के तौर पर हम जब लेबलिंग करते थे ये तरह की लेबलिंग हुई हुई है ठीक है, हमें चाहते हैं यार कि ये लेबल, कोई एक लेबल या दो लेबल, सारे लेबल मेरी अपनी चॉइस पे जो है ना वो एडजस्ट करें, मैं इसको चाहता हूँ यहाँ से इसको यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए था ठीक है, वो इस तरह करते हैं, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट लेबल टू एनोटेशन इन दी मैप, कन्वर्ट कर दूंगा, जब इसको हमने कन्वर्ट किया ये एनोटेशन में चेंज हो जाएंगे,
अब मैं किसी एक लेबल को भी अपनी मर्जी से हटा दूं। ठीक है,